पांडव की मां कुंती के नाम पर रखा गया। किंतूर गांव जिला मुख्यालय बाराबंकी से लगभग 38 किलोमीटर पूर्वी दिशा में है। इस जगह के आसपास प्राचीन मंदिर और उनके अवशेष हैं। यहां कुंती द्वारा स्थापित मंदिर के पास एक विशेष पेड़ है जिसे परिजात कहा जाता है। इस पेड़ के बारे में कई बातें प्रचलित हैं जिनको जनता की स्वीकृति प्राप्त है, जिनमें से यह है कि अर्जुन इस पेड़ को स्वर्ग से लाए थे और कुंती इसके फूलों से शिवजी का अभिषेक करती थी। दूसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण अपनी प्यारी रानी सत्यभामा के लिए इस वृक्ष को लाए थे। ऐतिहासिक रूप से यद्यपि इन बातों को कोई माने या न माने, लेकिन यह सत्य है कि यह वृक्ष एक बहुत प्राचीन पृष्ठभूमि से है। परिजात के बारे में हरिवंश पुराण में निम्नलिखित कहा गया है, परिजात एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। कहा जाता है कि यह केवल स्वर्ग में होता है। जो कोई इस पेड़ के नीचे मनोकामना करता है वह जरूर पूरी होती है। धार्मिक और प्राचीन साहित्य में हमें कल्प वृक्ष के कई संदर्भ मिलते हैं, लेकिन केवल किंतूर बाराबंकी को छोड़कर इसके अस्तित्व के प्रमाण का विवरण विश्व में कहीं और नहीं मिलता, जिससे किंतूर के इस अनोखे परिजात वृक्ष का विश्व में विशेष स्थान है। वनस्पति विज्ञान के संदर्भ में परिजात को एडानसोनिया डिजिटाटा के नाम से जाना जाता है तथा इसे एक विशेष श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह अपने फल या उसके बीज का उत्पादन नहीं करता है और न ही इसकी शाखा की कलम से एक दूसरा परिजात वृक्ष पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार यह एक यूनिसेक्स पुरुष वृक्ष है और ऐसा कोई पेड़ और कहीं नहीं मिला है। निचले हिस्से में इस वृक्ष की पत्तियां हाथ की उंगलियों की तरह 5 युक्तियां वाली हैं, जबकि वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर यह 7 युक्तियां वाली होती हैं। इसका फूल बहुत खूबसूरत और सफेद रंग का होता है और सूखने पर सोने के रंग का हो जाता है। इसके फूल में 5 पंखुड़ी हैं। इस पेड़ पर बेहद कम बार बहुत कम संख्या में फूल खिलता है, लेकिन जब यह होता है वह गंगा दशहरा के बाद ही होता है। इसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। इस पेड़ की आयु 1000 से 5000 वर्ष तक की मानी जाती है। इस पेड़ के तने की परिधि लगभग 50 फीट और ऊंचाई लगभग 45 फीट है। एक और लोकप्रिय बात जो प्रचलित है कि इसकी शाखाएं टूटती या सूखती नहीं, किंतु वह मूल तने में सिकुड़ती है और गायब हो जाती है। आसपास के लोग इसे अपना संरक्षक और इसका ऋणी मानते हैं, अतः वे इसकी पत्तियों और फूलों की रक्षा हर कीमत पर करते हैं। स्थानीय लोग इसे बहुत उच्च सम्मान देते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक इस अद्वितीय वृक्ष को देखने के लिए आते हैं। पर्यटकों के तादाद में आने की वजह से यहाँ बहुत सारी छोटी दुकानें भी हैं, जिससे इस वृक्ष की वजह से यहाँ बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। इसके परिसर में एक छोटी सी नर्सरी भी है जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे उगाए जाते हैं।